तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ग्राफ कैसे खींचते हैं, कैसे कैसे आपको ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बहुत ही बेसिक से सिखाने जा रहा हूँ। एक इजी प्रॉब्लम में सिखाऊंगा और आने वाले वीडियोस में आपको मैं डिफिकल्ट डिफिकल्ट ग्राफ प्रॉब्लम भी सिखा दूंगा कि ग्राफ की मदद से आप कैसे सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने जानबूझ के पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही ईजी रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा स्ट्रांग करवा पाऊँ। अगर हम एकदम से स्ट्रांग में पहुँच गए तो आपको टफ लगेगा, तो मैंने जानबूझ के एकदम आसान क्वेश्चन लिया है ताकि मैं आपको आसान से धीरे धीरे टफ पे ले जा सकूं। और ग्राफ खींचना वाकई में बहुत आसान होता है। ठीक है, अभी ये ग्राफ पेपर हम सॉल्व करेंगे, इसको रखते हैं साइड। क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखो, सॉल्व बाई ग्राफिकली, या फिर ग्राफ खींचने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ऐसे बने लिख देगा। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए बोलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एल्जेब्रिक इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो ये लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन कब खींचते हैं, कम से कम जब हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, जब दो पॉइंट्स होंगे और उसको हम ऐसे मिलाएंगे तब जाके एक लाइन बनती है। तो मिनिमम पॉइंट कितने चाहिए होते हैं, कम से कम दो चाहिए होते हैं। एक लाइन खींचने के लिए कम से कम दो पॉइंट चाहिए होते हैं, दो से ज़्यादा भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट दो पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। अब क्या रीज़न है, देखो कैसे करते हैं। आपको ऐसे लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से, ऐसे हिंदी में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, पहला इक्वेशन जो भी है आपका वो यहाँ पर आप लिख दोगे। क्या है वो, 2x + y = 12 है। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, आप इंडिपेंडेंट होते हो, स्वतंत्र हो, तो लेट एक्स की वैल्यू क्या हम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन दे दे। वो हमेशा एक्स को और वाई को जीरो से शुरू करो, जीरो मानो, तो कई बार काम बन जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में कुछ और भी मान सकता था मैं, तो अगर मैं जीरो मानता हूँ, एक्स बराबर जीरो मान लिया, तो देखो यहाँ पर 2x की जगह पर जीरो, यहाँ वाई और यहाँ पर 12। ठीक है, आपको पता है ना पॉइंट्स कैसे लिखा जाता है, पॉइंट्स में पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है। ठीक, तो सॉल्व करो, 2 × 0 जीरो हो जाएगा, वाई 12। सो वाई की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 12। हमने एक्स जीरो लेट किया तो वाई मेरे को 12 मिला। तो पी पॉइंट क्या हो गया, एक्स पहले आता है जीरो, वाई आ गया 12। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट हमें मिल चुका है। अब वो जीरो और 12, एक्स को जीरो तुम दोबारा नहीं मान सकते इस इक्वेशन में, और 12 तुम दोबारा नहीं मान सकते वाई को इस इक्वेशन में। ठीक है, अगेन अगेन क्या है, फिर से लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स को भी लेट कर सकते हो, वाई को भी लेट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं पहले वाले में एक्स लेट कर चुका हूँ, वाई को लेट करता हूँ, y = 2। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ये 2x था ऐसा का वैसा, वाई की जगह पर मैंने 2 रखा और यहाँ पर 12 हो गया। ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 2x = 2 मेरे को क्या मिल जाएगा, 10। तो ये 2 मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 2 5 10। सो एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 5। सो जो पी मैं मान लो, तो जो दूसरा पॉइंट आर होगा वो क्या होगा, पहले एक्स आता है, 5 आया, और वाई को हमने क्या लेट किया था, 2। तो एक इक्वेशन खींचने के जो दो मिनिमम पॉइंट चाहिए होते वो हमने निकाल दिए। ठीक है, पहले इक्वेशन से दो जो दो मिनिमम पॉइंट चाहिए होते वो हमने निकाल दिए। अब आ जाएंगे हम दूसरे इक्वेशन पे। ठीक है, यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, देखो 3x - ky = -50। ठीक है, लेट, मैंने बोला हमेशा कि ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो। अगर देखो मैं वाई जीरो कर लेता हूँ, लेट, अब की बार मैं वाई जीरो लेट करता हूँ। ठीक है, हमेशा कोशिश करने की पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसे चीज़ें हमें लेट करनी होती हैं। अगर मैं वाई जीरो लेट करता हूँ तो 3x - 0 = -15, 3x = -15, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k 15/3, 3 × 15, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k 5। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले एक्स आता है और हमने वाई के लट किया था जीरो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं आपके मन में कन्फ्यूज़न ना हो रही हो, कि देखो जो दो लाइन है, दोनों लाइनों में एक कॉमन पॉइंट्स भी आ सकता है, कि इसमें 5,0 आया तो उसमें भी 5,0 आ सकता है। ठीक है,
क्योंकि दो डिफरेंट लाइन है तो पॉइंट सेम आ सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है और एक चीज़ क्या होती है, जब जो पॉइंट दोनों में कॉमन होता है ना वो उसका सोल्यूशन पॉइंट होता है। ठीक है, अब अगेन एक पॉइंट पे मिल चुका है पी आर, इसे हम मान लेते हैं टी। ठीक है, अगेन अगेन देखो लेट कर लेते हैं कि वाई को लेट किया था, मैं फिर से वाई को लेट करूँ, एक्स को लेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक्स को लेट कर लेता हूँ तीन। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3x-y = -15 थी। एक्स को मैंने तीन लेट किया है तो 3 -ky। ठीक है, मैं एक्स को क्या लेट करता हूँ, -3 लेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -k9 और ये -k15। सो -ky ये उधर चला जाएगा, -15 + k9 तो क्या हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 - k। सो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या जाएगी, 6। सो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, टी से यू पॉइंट मान लेते हैं, एक्स हमने -3 लेट किया था और वाई हमारे क्या है, 6। तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए गए थे, वो मिल गए हमें, पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, पॉइंट्स हमें दोनों मिल चुके हैं, अब हमें किसकी बात करनी है, ग्राफ की बात करनी है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आए, लेकिन जैसे मैं सिखा रहा हूँ देखना, ये आप यहाँ से डालोगे, ये यहाँ से डालोगे, पॉइंट्स लोकेट करना आपको आना चाहिए ग्राफ खींचने के लिए। देखो पॉइंट्स लोकेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ओरिजन ओ होता है, यहाँ पर 0 0 पॉइंट्स होते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है और इधर वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0,12, यानी कि एक्स पे 0 जाना है और वाई पे 12 जाना है। ठीक है, तो एक्स पे 0 यहाँ पर है, वाई पे 12 इसी के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ख़त्म हो जा रहा है, तो यही पता चलेगा कि दो दो लेट कर लो, एक एक यूनिट को दो दो मान लो, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12, ऐसे चल रहा है, यहाँ से ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ऐसे चलेगा ऊपर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,12, देखो एक्स पे 0 वाई पे 12, 6 8 10 और यहाँ पर 12 आएगा, तो ये पॉइंट हमारा पी पॉइंट हो गया 0,12। फिर आर पॉइंट क्या है हमारा, एक्स पे 5 जाना है वाई पे 2 4, और बीचों बीच यहाँ 5, एक्स पे 5 जाना और वाई पे 2, इसी के सीधे ऊपर 2, तो 5,2 और ये पॉइंट हमारा आर पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, मीट कर देंगे, मिला देंगे और यू लाइन खींच देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जो इक्वेशन थी वो लिख दोगे, इक्वेशन हमारे पास क्या थी इसके लिए, पहली इक्वेशन 2x+y = 12 थी, वो हमने यूँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट्स पे आ जाओ, देखो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, -5,0, एक्स पे -5, इधर भी तो लिखोगे -k2 -k4 -k6 है ना, तो -k5 है, तो 2 - 4 यहाँ पर आ जाएगा, -k5,0 और ये पॉइंट हमारे क्या है, टी पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे क्या था, -3,6, ये -2, यहाँ -3 आ जाएगा बीचों बीच, ये -3 और ऊपर कितना जाना है, देखो वाई में 6 जाना है, तो ऊपर चलेंगे 2 2 4 2 6, ये हमारा पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट है हमारा, ये -3,6। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींचनी है, लाइन। ठीक है, खींच दिया हमने, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसका भी इक्वेशन यहाँ पर लिख दो, इक्वेशन क्या था यहाँ पर, 3x-y = -k15। तो ये ग्राफ हमारा आराम से बन गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो तो ठीक है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो,
और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पूरी करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में।